नमस्कार, एनबीएससी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी पर चिड़ावा नगर पालिका के चेयरमैन ने लगाया बदतमीजी का आरोप। चिड़ावा नगर पालिका की चेयरमैन के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर आज चिड़ावा नगर पालिका के पार्षद, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोगों के कलेक्टर पर किया प्रदर्शन। एसडीएम के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की, साथ ही एसडीएम संदीप चौधरी के खिलाफ जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। पार्षदों के मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में मांग की है कि एसडीएम को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। आपको बता दें, दो दिन पहले ही चिड़ावा एसडीएम और चेयरमैन के बीच हो गई तकरार से किसी जमीन का रास्ता बंद करवाने पहुंचे थे। रास्ते के विवाद को लेकर एसडीएम चिड़ावा संदीप चौधरी और नगर पालिका चेयरमैन के बीच तकरार काफी आगे बढ़ गई। चिड़ावा एसडीएम पर आरोप लगाया गया है कि महिला जनप्रतिनिधि से बदतमीजी से बात की, एसडीएम ने जेल तक भेजने की बात की है। पार्षदों का कहना है कि नगरपालिका चेयरमैन शहर की प्रथम नागरिक है, जब उनके साथ ही इस तरीके से अभद्र व्यवहार हो सकता है तो औरों की तो बात ही क्या है। पार्षदों ने कहा कि एसडीएम चौधरी सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसे ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। पर उनका पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि वहाँ जो जमीन जो आगे की फ्रंट की साइड की ली है वो हरियाणा के लोगों ने ले ली, और एसडीएम साहब भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। भैया, जब हम पार्षद हैं और चुने हुए जनता ने हमें चुना है तो हम घास काटने के लिए थोड़ी, हम नेतागिरी करने के लिए हैं। एसडीएम साहब को नेतागिरी का अगर इतना शौक है तो वो इस्तीफा दे, नेतागिरी करे। तो तानाशाही पूर्ण रवैया है जो जागीरदारों के जमाने से जो प्रचलित प्रथा थी, ऐसे उपखंड अधिकारी को वहाँ से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और यहाँ इनको एपीओ किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम है वार्ड नंबर 17 से पार्षद निखिल चौधरी। निखिल चौधरी आगे आगे कह रहे को बुला के पुलिस का जाब्ता बुलाया और उन्होंने कहा कि या तो आप महिला हो और मैं आपको थाने के अंदर बंद कर दूंगा। साथी पार्षद थे, मौजूद लोग थे। और एक और आपको रोचक बात बताता हूँ, वहाँ जिस जमीन के 784-786 के जो खातेदार हैं, उन खातेदारों को बुला के धमकाया गया और उनको ये बोला तेरा क्या इंटरेस्ट है भाई, तू क्यों आता है, तेरे को ज्यादा नेतागिरी करने का शौक है क्या, तेरी जमीन को बोले अभी कुर्क करूंगा। और इसके बाद में उन्होंने ताजा प्रकरण और किया, आपको बताता हूँ, भूमाफियाओं के साथ में मिलकर चिड़ावा की श्री कृष्ण गौशाला भूमि की जमीन को भूमाफियाओं के हवाले करके उसका रास्ता भी काट के दे दिया। ये सारे आम चिड़ावा के आम बच्चे और आम नागरिक को ये चीज की पता है।